फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो ऑल इंडिया पे रजिस्टर तो कर लेते हैं बट उन्हें एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती। आज की इस वीडियो में मैं एक एक टूल और फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब, या मैं कहूँ जो लैपटॉप पे इंटरफेस होता है वो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ये जो इंटरफेस आप देख सकते हैं ये मोबाइल फोन का इंटरफेस है। अगर आप मोबाइल फोन में ट्रेड करते हो या फिर आप लैपटॉप या वेब पे ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये सिमिलर सा जो है इंटरफेस होगा। आज मैं इन दोनों इंटरफेस के एक एक फीचर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा फीचर या कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा जो कि आपको पता नहीं होगा ऑलिम ट्रेड के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। फ्रेंड्स, वीडियो में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, अगर आप ऑलिम ट्रेड में बिल्कुल न्यू है या आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, टेक्निकल अवी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है, ज्वाइन कर लेना है ऑलिम ट्रेड को और टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भेजना है। सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके वेब पे या फिर डेस्कटॉप पे, और इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके मोबाइल फोन पे। तो जैसे ये इंटरफेस आपका जो है खुल जाता है, यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन होता है। मैं आपको पेंसिल की हेल्प से बताऊंगा ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप अच्छे से समझ पाए। देखिए, ये जो है ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन होता है, ठीक है। अब ये चीज मोबाइल ऐप में कहाँ पे होगी, आप ये देखिए। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जब भी किसी ऐप पे आप रजिस्टर करते हैं तो वहां पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, आपका वेरिफिकेशन सेटिंग्स चेक कर सकते हैं, इंटरफेस का कलर या टोन या म्यूजिक को बंद चालू या चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने पर्क्स देख सकते हैं, एक्सपी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे आप अपना बैच देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक्सपर्ट बैच है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ऊपरी इंटरफेस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद उसके अंदर के फीचर्स पे भी हम जाने वाले हैं। तो ये हो गया प्रोफाइल सेक्शन। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये है करेंसी पेयर, या फिर जहां पे आप ट्रेड करने वाले हैं, यानी ये जो ग्राफ आप देख सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा ग्राफ यूरो यूएसडी का है, ठीक है। अब ये सेम चीज अगर मैं बात करूं यहां पे, यानी लैपटॉप या फिर वेब इंटरफेस पे, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। यहां पे बस एक और एडिशनल फीचर आपको मिल जाता है प्लस का। प्लस का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे आप एक और पेयर यहां पे ओपन कर सकते हैं और मल्टीपल पेयर्स आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। किसी भी पेयर पे आप डायरेक्टली टैप करके पहुंच सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मोबाइल में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता क्योंकि लिमिटेड स्पेस होती है एप्लीकेशन में, छोटी जगह होती है इस वजह से। अब यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन दिया हुआ है, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के बटन पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी ये पेयर अगर आपको नहीं रखना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से ये चीज काम करती है। जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ गए जिसमें से आपके पास ओवर 70% ओवर 90% का आ जाता है। यहाँ पे फॉरेक्स और यहाँ पे स्टॉक्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे ही मैं एसेट पे से पीछे जाता हूँ, मेरे को सेव इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देखेंगे यूरो यूएसडी पे क्लिक किया, अब जैसे ही क्लिक होगा तो ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इंडेक्स फॉरेक्स स्टॉक्स, ठीक। सेम प्लस के बटन का भी ऑप्शन आपका समझ में आ गया होगा कि प्लस के बटन को यहाँ पे आप कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने समझ लिया, यहाँ पे ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब ये चीज क्या होती है, ये तो एक तरीके से कोई सिग्नल है, कोई वाईफाई से कोई सिग्नल जैसे ट्रांसमिट हो रहा है, इस तरीके का कोई यहाँ पे सिंबल है। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है, यहाँ पे आपको सिग्नल्स मिलते हैं, ऑटो जनरेटेड सिग्नल्स रहते हैं जो ऑलिम ट्रेड आपको देता है। कुछ सॉफ्टवेयर या स्ट्रैटेजीज को यूज करके ये सिग्नल्स जो है वो आप तक पहुंचते हैं। अब देखते हैं, चलो इसके ऊपर चलते हैं और मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं इस फीचर का यूज, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप देख सकते हैं। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, इसमें ये लोग लिखते हैं कि भाई
ये जो सिग्नल्स हैं वो ऑटोमेटेड बाय एंड सेल सिग्नल्स हैं, जो कि टेक्निकल इंडिकेटर्स MARSI के बेस पे बने हुए हैं और मैथमेटिकल मोड्स जो है यहाँ पे इन्होंने यूज किए हुए हैं। तो ये बोल यही इसमें सिर्फ यही लिखा रहता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई ऐसा नहीं कि सिग्नल पे आंख बंद करके भरोसा कर लो, ये मत करना कि भाई सिग्नल पे भरोसा कर रहे हो तो आपका आपके ऊपर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो कि सिग्नल की हिस्ट्री आपको मिल जाती है, यहाँ पे आप एसेट सेलेक्ट कर सकते हो। देखो एक्टिव सिग्नल्स ये हैं आपके सामने। अब एक मिनट का डाउन सिग्नल आने वाला है, 10 सेकंड तक एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले पहले आपको लगाना है। अब ये सेम ये जो सिग्नल वाला पार्ट है ना, ये सेम इस वाले इंटरफेस पे कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, आपको पेंसिल से भी दिखा देता हूँ, ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंबल में क्या होता है कि हम स्ट्रैटेजी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली पार्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, ये देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें ये इंटरफेस में यहाँ पे है, इस इंटरफेस में यहाँ पे है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इतना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। जैसा कि मैंने बताया, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ओलंपिक के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से भी जानते हैं तो भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो शायद आपसे छूट गए हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता। आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ, जिन फीचर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन वीडियो बना चुका हूँ उनके बारे में भी बताऊंगा, ताकि आप जाके चेक कर ले। जैसे कि मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैंने प्रोफाइल के सेक्शन में भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट जो आ जाता है वो ये सिंबल आ जाता है, ए का सिंबल। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने इस सिंबल पे क्लिक किया, हमारे सामने इंडिकेटर्स आ जाते हैं। ये ऐसे में EMA, पैराबोलिक, बॉलिंगर बैंड, इचिमोको क्लाउड, एलिगेटर, ZigZag, WMA, बॉलिंगर बैंड, बिल विलियम फ्रैक्टल, ये सारे डोंजिन चैनल, ये सारे क्या है, इंडिकेटर्स हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इंडिकेटर्स का मतलब, यहाँ पे ये हाईलाइट हो रखा है। जैसे ही मैंने ऑक्सीलेटर पे क्लिक किया तो ये सारे ऑक्सीलेटर्स आ जाते हैं, ये ड्राइंग टूल आ जाते हैं। ड्राइंग टूल के बारे में मैं अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ये भी बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग के माध्यम से बना सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्रैटेजीज में क्या आ जाता है, बनी बनाई स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, जो ओलिमिटेड ऑलरेडी बना चुकी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ये जो इंटरफेस है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ये मोबाइल फोन का इंटरफेस है और ये इंटरफेस लैपटॉप या वेब का इंटरफेस है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये वेब में ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन जब आप लैपटॉप में भी ओपन करेंगे तो लगभग सेम ही इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एडवाइजर्स में आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास ये तीन एग्जैक्टली स्ट्रैटेजीज होती हैं, MACD प्रोफेशनल और प्रेडेटरी लॉक और स्लाइडिंग ऑन एवरेजेस के जो स्ट्रैटेजी है वो आपको मिल जाती है। इन स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे ओलिमिटेड हमको जो है सिग्नल्स देता है, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से जो है यूज करने वाले हैं। आप देखो मैंने यहाँ पे एक्टिव टूल कर दिया, तो एक्टिव टूल करने से क्या होगा कि मेरे को जो है सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो वेटिंग फॉर द सिग्नल्स, तो यहाँ पे सिग्नल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही इनको कोई सिग्नल मिलता है इस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं। अब मान के चलिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी है SMA प्लस पैराबोलिक, तो आपने SMA पे क्लिक किया, इसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है, तो इसकी वैल्यू पे मैं गया, इसकी वैल्यू मैंने 2050 कर दी, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने 49 कर दी। अब मैं वापस से जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ पैराबोलिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो ऐड हो गए। तो ये एक बेसिकली SMA प्लस पैराबोलिक की स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लग गई। सेम अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो आपको सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है, आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी, आपको ऐड मोर टूल मिल जाएगा, आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आता हूँ मैं लैपटॉप इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे भी सेम क्या करना है, आपको ए पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा बड़े ऑप्शंस दिखेंगे, ये इंडिकेटर्स हैं, नीचे आपको ऑक्सीलेटर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये ऑक्सीलेटर्स है, ड्राइंग टूल, स्ट्रैटेजी, एडवाइजर्स। अब मैं आता हूँ बुल पावर का, मैंने एक बुल्स पावर और बियर पावर का मैं ये ले लेता हूँ स्ट्रैटेजी, दोनों ऑक्सीलेटर्स लेके मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बुल्स पावर
मैंने ऐड कर दिया, मैं इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा हूँ, कट किया। ये देखिए स्ट्रैटेजी यहाँ पे लग गई है, ये दो इंडिकेटर दो ऑसिलेटर्स है जिनको यूज करके हमने एक स्ट्रैटेजी बना दी है। तो ये फीचर बहुत ज्यादा सिंपल है एक्सप्लेन करने में। अब नए फीचर के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कैंडलस्टिक और टाइम सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन है। मतलब यहाँ से मैं एरिया चार्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, अपने ग्राफ के लिए बार सेलेक्ट कर सकता हूँ, हेकेनेशिक सेलेक्ट कर सकता हूँ, 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कितने मिनट का ये ग्राफ रह सकता है या रहना मुझे चाहिए मैं उतने के लिए सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ या करनी चाहिए लोगों को भी या ज़्यादातर लोग करते हैं, 1 मिनट जापनीज कैंडलस्टिक पैटर्न पे करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे यही सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ से आप जो है चार्ट के पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप टाइम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये तीनों फीचर्स अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पे बात की जाए तो मैंने अभी तक फिलहाल की बात की जाए तो मैंने आपको ये फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे, सारे फीचर्स हम एक्सप्लेन करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो हम डिस्कस करते हैं, ये वॉलेट का यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है ये क्या है, ठीक है, इस वॉलेट के सिंबल से क्या होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट्स के नाम से एक ऑप्शन है, इसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स ये वॉलेट सिंबल है, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पेमेंट्स पे मैंने क्लिक किया और क्या क्या हमारे पास फीचर्स आ जाते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बटन आ जाते हैं पेमेंट्स का, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर एंड ट्रांजेक्शन। डिपॉजिट से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल के ऑप्शन से आप विड्रॉल कर सकते हैं, वो यहाँ पे ट्रांसफर का बटन है। मान के चलिए कि अगर आपका जो अकाउंट है वो यूएस डॉलर्स में है, आपको आपके अकाउंट को चेंज करके INR में करना है तो यहाँ पे ट्रांसफर के बटन को यूज कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन टाइप होता है जहाँ से आप अपने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जहाँ से आप अपने प्रीवियस ट्रांजेक्शन जिसमें ट्रांसफर, डिपॉजिट, विड्रॉल सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। ये आपको डिपॉजिट के मेथड मिल जाते हैं, तो बेहद ही सिंपल यहाँ पे आपको जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे UPI से लेके बैंक कार्ड तक का ऑप्शंस है। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मैं यहाँ पे यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, वो USDT, TRC20 और ERC20 अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं। बिटकॉइन भी एक अच्छा ऑप्शन जो है वो आ जाता है। देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड को प्रेफर करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए। तो फ्रेंड्स प्रोफाइल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोफाइल के अंदर भी आपको जाके दिखा देता हूँ बेसिक सी चीज़ें। यहाँ पे आपका स्टेटस दिख जाता है, नाम दिख जाता है, यूज़र आईडी दिख जाता है। तो यूज़र आईडी बहुत काम की चीज़ होती है। जैसा अगर आप टेक्निकली भी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो यूज़र आईडी है ना, ये यूज़र आईडी आपको मुझे भेजनी होती है टेलीग्राम पे। मैं यूज़र आईडी चेक करता हूँ कि एक्चुअली आपने गिवन लिंक से रजिस्टर किया या नहीं किया, उसके बाद मैं ऐड कर लूँगा। बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस होती है, कोई भी पैसा आपको कहीं पर नहीं देना होता। पूरी प्रोसेस के अंदर नीचे एक सेटिंग का बटन आ जाता है, देखेंगे आप, जिसके अंदर बेसिक सेटिंग्स की फीचर्स होते हैं, जहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा वहाँ पे जाके, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी हैं, आपके काम की नहीं है। वहाँ पे आप 2-step वेरिफिकेशन कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट चेंज कर सकते हैं, नंबर रख सकते हैं। तो वो छोटी मोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, आप खुद देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा वहाँ पे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे ही मैं जाऊँगा वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने विजिबल होगी। तो ये एक रीज़न है, आप खुद वहाँ पे एक्सप्लोर करें तो बेटर होगा। ये पर्टिकुलर सेक्शन हमारा चार्ट सेक्शन होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ग्राफ का ट्रेंड क्या है, कौन सी डायरेक्शन में है, क्या कैंडल्स बन रही हैं। जैसे देखेंगे ये अप ट्रेंड को शो कर रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड को शो कर रहा है। हमारा जो मिनट है वो 1 मिनट हमारा जो है वो सेलेक्टेड है, तो 1 मिनट के पैन में ये चीज़ें हो रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी 1 मिनट सेलेक्टेड है, ये ट्रेंड शो हो रहा है, इस तरीके का ट्रेंड जो है हमारा रहा है। अब ये क्या चीज़ होती है, ये होती है प्राइस रेंज। तो मतलब ये जो कैंडल्स हैं इनका प्राइस जो है वो यहाँ पे आपको दिखता है कि इस प्राइस पे अभी जो है कैंडल हमारी है एग्जैक्टली। सेम यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। ये होता है एक्सपायरी टाइम, मतलब कैंडल से एक्सपायर होने से पहले, यानी 1 मिनट का अगर मैंने ग्राफ रखा है तो 33 सेकेंड बाद, एग्जैक्टली 33 सेकेंड्स बाद ये कैंडल एक्सपायर हो जाएगी। सेम यहाँ पे 32 सेकंड्स बाद ये कैंडल यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी जो भी रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये जो है ये टाइम होता है, मतलब एग्जैक्टली 2:30 PM, 14:30 का मतलब होता है 2:30 आफ्टरनून। ये होता है 3 बजे, मतलब 3 बजे और के बीच का ये जो है वो ग्राफ है। ये आप देख सकते हैं ये सेंटिमेंट इंडिकेटर होता है, बायर्स और सेलर्स के सेंटिमेंट्स जो है
वो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। मतलब मार्केट पे एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर ग्राफ पे कितने परसेंट बायर और कितने परसेंट बायर्स और कितने परसेंट सेलर्स एग्जैक्टली अभी के टाइम पे मौजूद है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये जो इंडिकेटर है ये आप डायरेक्टली लगा भी सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रखा है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। अभी फिलहाल आप देखेंगे $10 यहाँ पे सेलेक्टेड है। $10 का क्या मतलब है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितने अमाउंट की ट्रेड जो है वो प्लेस करनी है। सेम चीज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं दोनों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सेम चीजें। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को $102 की ट्रेड करनी है तो $102 यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, अब मैंने कट कर दिया, $1 यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, $15 हो गया। मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो कितने डॉलर की ट्रेड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एक्सपायरी जो है वो कितने मिनट की या कितने घंटे की रहने वाली है। सेम यहाँ से आप एक्सपायरी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं एक्सपायरी। यहाँ पे ना एक क्लॉक का और टाइमर का भी फीचर आता है, वो भी आपको बता देता हूँ। टाइमर का मतलब आप एग्जैक्टली एक मिनट का बोल सकते हो कि एक मिनट बाद जो कैंडल है वो एक्सपायर हो जाएगी मेरी ट्रेड प्लेस होने के बाद। क्लॉक का क्या मतलब है, क्लॉक का मतलब है कि टाइम, जैसे अभी का जो टाइम हो रखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ देखो कि मेरे को 54 यानी 2 मिनट का रखना है, 3 मिनट का रखना है, 4 मिनट का रखना है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं आवर्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, 4 बजे, मतलब अगर कोई मैंने ट्रेड प्लेस करी एग्जैक्ट टाइम पे मुझे इसको फिनिश करनी है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे पर्टिकुलर एसेट का यहाँ पे अभी के टाइम पे आपके जो कैंडल का मोमेंट है वो इस स्ट्राइक प्राइस पे अभी फिलहाल है। सेम यहाँ पे भी हम अमाउंट और ड्यूरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ड्यूरेक्शन में अगर मैं गया तो यहाँ पे टाइमर और क्लॉक का ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाता है। ये टुडे का मतलब आज है, टुमारो का मतलब कल है, कल के दिन तक भी हम ट्रेड जो है वो एक्सपायर कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो अभी हम डाउन, अब ये डाउन और कॉल क्या होते हैं, ये दो बटन्स क्या होते हैं अप और डाउन के। एग्जैक्टली अगर आपको लगता है ग्राफ इस पॉइंट के यानी इस पॉइंट के ऊपर जाएगा, यहाँ पे आपको लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो भी आपका डिपेंड करता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टाइम सेलेक्ट करना है, 1 मिनट एक्सपायरी, अमाउंट सेलेक्ट करना है और डाउन या कॉल यानी डाउन या अप, डाउन का मतलब पुट, कॉल का अप का मतलब कॉल, आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ करके, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइमर में जाता हूँ, 1 मिनट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करना चाहूँगा, डायरेक्शन की जगह मैं टाइमर पे जाता हूँ, 1 मिनट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अमाउंट $15 है, कॉल के लिए मैंने ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी, ऑटोमेटिकली ट्रेड यहाँ पे प्लेस हो जाएगी क्योंकि ये दोनों जो अकाउंट है वो एक ही अकाउंट है, तो दोनों ट्रेड अपने आप प्लेस हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। कहीं भी एक ट्रेड लगाओगे दूसरी जगह पे ट्रेड प्लेस हो जाएगी। ये क्या है, ये रिस्क फ्री ट्रेड्स हैं। रिस्क फ्री ट्रेड के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, डेडिकेटेडली प्लेलिस्ट भी आप लोगों के लिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। बेसिक आइडिया के लिए बता देता हूँ, रिस्क फ्री ट्रेड एक ऐसी ट्रेड होती है जो अगर आप अनेबल कर देते हो तो आपका लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये अनेबल कर दोगे $20 के और ट्रेड प्लेस कर दोगे तो आप $20 आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, चाहे आप लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। बट अगर प्रॉफिट हो गए तो 20 प्लस 82% जो रिटर्न होगा वो भी प्लस होके ऐड हो जाएगा, तो आपका लॉस इस केस में नहीं होता है। अब ये जो टाइमर है ये क्या है, यहाँ पे सेम मैंने जैसा कि बताया प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, आप प्राइस के हिसाब से आप ट्रेड ओपन या क्लोज कर सकते हैं, सेम चीज यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइस का मतलब क्या है, देखिए मतलब अगर आपको लगता है कि आप इस प्राइस रेंज पे नहीं करना चाहते आपकी ट्रेड ओपन तो आप ये यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे भी नहीं करना चाहते तो आपको लगता है कि भाई यहाँ पे कर दीजिए। अब ये फीचर क्यों काम का है मैं आपको बताता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, हम पूरे दिन भर मोबाइल फोन के सामने नहीं बैठे रह सकते, हमें बस प्राइस रेंज का पता होता है कि जैसे ही हमारा जो ग्राफ है इस प्राइस को हिट करेगा मुझे पुट के लिए ट्रेड लेनी है, तो वहाँ पे वो प्राइस सेट करके पुट के लिए ट्रेड ली जा सकती है, ताकि जैसे ही वो प्राइस हिट करेगा आपकी ट्रेड जो है वो प्लेस हो जाएगी। सिंपली इस तरीके से ये फीचर होता है, बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं बट आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे जो फीचर्स हैं आप देख सकते हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जो मेन फीचर्स बचे हैं वो ये 4 से 5 फीचर्स हैं, और ये नीचे का जो सेक्शन है हेडर सेक्शन है वो यहाँ पे बच गया है। टर्मिनल का बात करें तो ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये टर्मिनल का सेक्शन होता है। ट्रेड्स पे जाएंगे आप तो आपको ट्रेड्स दिख जाएंगी,
फिक्स टाइम ट्रेडिंग की सारी ट्रेड्स दिख जाएंगी, फॉरेक्स की ट्रेड्स दिख जाएंगी, स्टॉक्स की ट्रेड्स दिख जाएंगी, यहाँ पे आपको ट्रेड्स जो है वो दिख जाती है। ठीक है, अब सेम यहाँ से भी वही चीज कर सकते हैं आप, ट्रेड के सेक्शन में जाके आप ट्रेड्स देख सकते हैं, एक्टिव ट्रेड्स देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं पीछे की ट्रेड्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं मार्केट के सेक्शन पे। जैसे आप मार्केट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके परचेज और रिवॉर्ड्स आ जाएंगे, आपने क्या खरीदा है आज तक, क्या आपको रिवॉर्ड्स मिले हैं, और यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ये रहा मार्केट का। अब देखोगे यहाँ पे ये चीज़ हमने हमारी इन्वेंट्री में इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। अब मैं पीछे जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ, माई पब्लिश स्ट्रैटेजीज भी आ जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्ट्रैटेजी मेरी पब्लिश यहाँ पे नहीं है फिलहाल के टाइम पे। यहाँ पे ट्रेडिंग कंडीशंस का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप ट्रेडिंग कंडीशंस के जो यानी कि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बाय कर सकते हैं। सिग्नल्स का ऑप्शन मिल जाता है, कस्टम स्ट्रैटेजीज का ऑप्शन मिल जाता है, स्ट्रैटेजीज का, इंडिकेटर्स का, थीम्स का और एडवाइजर्स का, ये मार्केट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके कुछ भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ऐसा इंडिकेटर है जो खरीदना है, तो फिलहाल यहाँ पे कोई इंडिकेटर एंट्री पॉइंट के हिसाब से अवेलेबल नहीं है। मैं स्ट्रैटेजीज पे आता हूँ, स्ट्रैटेजीज पे आया, कोई स्ट्रैटेजी आपको ऐसा है जो खरीदनी है, $1 पर मंथ के रेंट पे लेनी है, तो यहाँ से आप खरीद सकते हो, रेंट पे ले सकते हो। कस्टम स्ट्रैटेजीज पे आता हूँ, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाई है, वो आप यहाँ से खरीद सकते हो फ्री में, जो फ्री में है वो फ्री में खरीद सकते हो, जिसको पैसा देना है वो पैसे में भी ले सकते हो। देखो ये फ्री में है तो आप फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, अब पीछे चलते हैं, ऐसा करके ये पूरा सेक्शन है। इवेंट्स पे आता हूँ, तो इवेंट्स पे आप देखेंगे फिलहाल के टाइम पे कोई भी इवेंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेम यहाँ पे इवेंट का जो सेक्शन आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, अभी कोई भी इवेंट नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पे इवेंट्स आते रहते हैं। ऐसे इवेंट जो जैसे ट्रेडिंग मैराथन करके एक इवेंट आता है, या ट्रेडर्स क्लब करके एक इवेंट आता है, फ्री इवेंट आता है, वीकली इवेंट्स आते हैं, मंथली इवेंट्स आते हैं। फिलहाल कोई इवेंट नहीं है या रिसेंटली ख़त्म हुआ होगा, उस इवेंट्स में आप पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो आप वैसे कर ही रहे हैं, तो पार्ट लेना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेल्प का बटन है। हेल्प में क्या होता है, तो हेल्प के बटन पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आप सपोर्ट यानी बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोशल नेटवर्क के थ्रू बात किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे आपको मिल रही है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल रही है, जिस पर रिस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पे मेंशन है। हेल्प सेंटर में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस, रेगुलेशंस और बहुत सारी चीज़ों की। उसके बाद अगर पीछे आते हैं, ये थोड़ा पेज लोड होने में प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा टाइम ज़रूर लगा रहा है, बट ये टाइम इसलिए लगा रहा है, यहाँ पे शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, बट आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अब मैं पीछे चलता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पे हम आएंगे हेल्प में। यहाँ पे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स में आपको क्या मिलते हैं, हाउ टू ट्रेड, ओपन अ ट्रेड, मतलब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो लेसन्स मिल जाते हैं, जहाँ पे बेसिक्स, डिपॉजिट एंड विड्रॉल, मार्केट फोरकास्ट, ओपनिंग ट्रेड, ये आपको एजुकेशन वाइज हेल्प करते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा जो इंटरफेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो मोबाइल फोन पे जो भी इंटरफेस, जो भी फीचर्स, जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जो कुछ भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेब इंटरफेस पे, सारी की सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप लैपटॉप या वेब इंटरफेस पे कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद नहीं की जा सकती, जैसे ये प्लस का सिंबल है या कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं, आप मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हैं, लेकिन 98% चीज़ें आप सेम टू सेम कर सकते हो। शायद एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं कर सकते, 98% कर सकते हैं, दैट्स मैटर्स। अब वही चीज़ें देखो, हेल्प का बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है पूरे इंटरफेस में सेम टू सेम। अब ये यहाँ पे बस क्या है, ये बड़ा इंटरफेस होने की वजह से तो फीचर्स इस तरफ दिए गए हैं और इसमें नीचे दिए गए हैं। आई होप गाइस कि आपने वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी, बेसिक से बेसिक चीज़ें प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी फीचर के बारे में, ऑप्शन के बारे में आपका कोई भी डाउट रहता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई शिकायत हो तो वो डेफिनेटली आप मुझसे कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे ऐसी और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।